अस्सलामु अलैकुम माई यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, हैर आफियत से होंगे और जहाँ कहीं पर भी होंगे अपनी जिंदगी को इंजॉय कर रहे होंगे। ज़िंदगी का मज़ा इसी चीज़ में कि अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय किया जाए, अपने इर्द गिर्द मामलों का खास ख्याल रखा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गला काफ़ी बेहतर है, तो आज मैं आपके साथ एक न्यू व्लॉग और रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे मैंने चिकन बना लिया है सिंपल। चिकन बनाने के बाद मुझे दिल आ रहा था, कुछ शाम का टाइम है तो कुछ खाने का, तो मैंने यहाँ पे फ्राइज कट कर दिए हैं। इनको आपने मैदा लगा लें या बेसन में डुबो के रख लें, बहुत मज़े के ये फ्राइज के। इनको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, रेडी होते हैं। तो पहले यहाँ पे ऑयल को अच्छे से हमने गरम करना है, फिर इसके अंदर इनको डालते जाना है। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं सबको वेलकम, बहुत शुक्रिया, इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहा करें। अब हम एक डाल के चेक करते हैं। ऑयल हमारा बड़ा गर्म हो चुका है, तो हम और भी डालेंगे, बहुत मज़े के। और ये इडली रेडी होते हैं, माएँ बच्चों को लंच में भी दे सकती हैं आराम से बना के। बस शर्त ये है कि आपका ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए। ये 5 मिनट के अंदर आपका इडली खाना कहें या लंच कहें या सुबह खाएं या शाम खाएं, आपकी मर्ज़ी। जब भी आपको कुछ करारा खाने का दिल चाहे तो इसको फटाफट से बनाएँ और तेज जाए। अब इसको मैं निकालूंगी, चेंज करेंगे साइड को। रेडी हो रहे हैं, मैंने मसाला थोड़ा कम लगाया क्योंकि मुझे गले का इशू है, और ऊपर से डॉक्टर ने मुझे मना भी किया है कि आप ऑयल वाली चीज़ें कम खाइएगा, तो मैंने थोड़ा मसाला कम डाला है। जैसे ही गर्मियां आती हैं तो गलियों में आ जाते हैं आइसक्रीम वाले, आपको वाजे आ रही होंगी। क्योंकि गर्मी है तो हर इंसान कहता है कुछ लाइट लाइट सा खाएँ गर्मी ना लगे, तो वो आइसक्रीम की भी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की हुई है, और ये आइसक्रीम की भी और भी शेयर करूँगी। इसी तरह मेरे चैनल के साथ कनेक्ट रहें और मुझे सपोर्ट करते रहे करें, जैसे आप कर रहे हैं इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो हाथों में अगर आपके दर्द हो तो उसको लाइक के बटन को भी दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब के बटन को भी दबाइएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका, जैसे मैं आप लोगों को सपोर्ट करती हूँ इसी तरह मुझे भी करते रहे करते हैं आप लोग करते हैं, बहुत शुक्रिया। मैं भी आप लोगों को ऐसे ही करती हूँ। अभी हम निकाल देंगे और दूसरे स्टेप को हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो फ्रेंड दूसरे स्टेप मैंने डाल दिया है, अगर आपको कड़क पसंद है तो आप इसके अंदर हल्का सा मैदा ऐड कीजिएगा। मैंने लाइट सा मैदा ऐड किया तो मेरे काफ़ी कड़क ये तैयार हो रही है। अगर आपको कड़क और क्रिस्पी खाना अच्छा लगता है तो नहीं तो आप नॉर्मल जो जैसे आपको पसंद है आप बनाएं। बच्चों को भी खुश करें, बड़ों को भी खुश करें और एंजॉय करें। बच्चे में गर्मी इंतहा की पड़ी है आज, इस टाइम मैं बना रही हूँ और पसीना पसीना हो रही हूँ। दुआ करें ये गर्मी थोड़ी कम हो जाए। अब इसको मैं चेंज करती हूँ साइड्स को। जी तो फ्रेंड देख सकते हैं माशाल्लाह से मेरी चिप्स रेडी हो चुकी है, और साथ में मैंने केचप भी डाल दिया है। इस तरह से आप बच्चों को हैप्पी भी कर सकते हैं, इस तरह की प्लेट आप बाय करें और बच्चों को भी खुश करें अगर आपके बच्चे नहीं खाते तो। मैंने इसमें केचप डाल दिया, दूसरे में मायो डाल सकते हैं पर मैंने नहीं डाला क्योंकि मेरा गला ऑलरेडी इतना ख़राब है कि ये भी मैं खाऊँगी तो पता नहीं इसका क्या नुकसान होगा। फिर भी क्या करें, दिल तो बच्चा है ना, क्या कर सकते हैं, खाना पीना तो नहीं छोड़ सकते। जी तो फ्रेंड देख सकते हैं कितने प्यारे मेरे फ्राइज़ रेडी हो चुके हैं। आप इसको रोटी के साथ खाना चाहें तो खा सकते हैं, सालन के साथ भी खा सकते हैं, चावलों के साथ भी खा सकते हैं। मैं खुली हवा में बैठ के इसको इंजॉय करूँगी। तो आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। अपने ये तमाम लोग का खास ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहा करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहा करें। आपके सपोर्ट के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता, इसी तरह मुझे सपोर्ट किया करें जैसे कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। अपने इर्द गिर्द मामलों का खास ख्याल रखें, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएँ तो मेरे लिए लाजमी दुआ कीजिएगा। नेक्स्ट फिर न्यू व्लॉग और रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अगर आज की
रेसिपी और व्लॉग अच्छा लगा हो तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा और लाइक के बटन को भी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अपने इर्द गिर्द बड़े छोटों से मोहब्बत करें, शफकत करें। अपने इर्द गिर्द देखें जो लोग सफ़ेद पोश हैं उनकी लाजमी मदद करें, क्योंकि हम उनकी मदद करते हैं जो हमें जगह जगह नज़र आते हैं, उनकी नहीं करते जो लोग बोलते नहीं। तो इसलिए कोशिश किया करें ऐसे लोगों की मदद करें जो हकदार हैं, नेकी कमाएं, क्योंकि दुनिया से हमने सिर्फ नेकी और अपने अमाल को लेके जाना है और कुछ भी नहीं जाना साथ। तो इसलिए सबका खास ख्याल रखा करें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।